नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ YZ-Lag कैप्सूल का रिव्यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि YZ-Lag कैप्सूल के क्या क्या यूजेज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो YZ-Lag कैप्सूल है ये कौन सी कंपनी बनाती है और इसके अंदर क्या साल्ट डाले गए हैं, इसकी MRP कितनी है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी से। तो दोस्तों ये टोरेंट कंपनी बनाती है इसको, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। टोरेंट कंपनी काफ़ी बड़ी फार्मा कंपनी है जो काफ़ी अच्छे एथिकल मेडिसिन बनाती है। और बात करते हैं इसके साल्ट की। तो दोस्तों इसके अंदर जो साल्ट डाला गया है उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैसिलस, जो कि 120 मिलियन स्पोर्स इसके अंदर होते हैं। और बात करते हैं इसके MRP की। तो दोस्तों इसका MRP है 47 रुपये दोस्तों इसका MRP है। और एक पत्ते के अंदर 15 कैप्सूल होते हैं इस तरीके के, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके का ये पत्ता है और एक पत्ते में 15 कैप्सूल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कामों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो YZ-Lag कैप्सूल होता है इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है ये हमारे पेट के लिए होता है, जो कि अगर आपको पेट की खराबी है, आपका पेट का डाइजेशन ठीक नहीं है, या आपको डायरिया लग गए हैं, आपको दस्त लग गए हैं, तो उन सब कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों अगर आपको डायरिया लगे हैं, आपको दस्त लगे हैं, तो आप दस्त की जब दवाई लेंगे तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, दस्त की गोली के साथ साथ ये लैक्टिक एसिड बैसिलस भी देते हैं, जिससे कि पेट का डाइजेशन ठीक रहे और आपका जो है दस्त आपके ठीक हो जाए। और दोस्तों ये दवाई जो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स वगैरह लिखते हैं, जो लोग बहुत हार्ड दवाइयां खाते हैं, उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि इससे हमारे को दस्त ना लगे। क्योंकि दोस्तों जो एंटीबायोटिक कैप्सूल होते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और उनको खाने से क्या होता है, दस्त लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये YZ-Lag कैप्सूल को जो है साथ चलाते हैं, उसके साथ देते हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई पेट की खराबी ना हो, दस्त ना लगे और पेट में का डाइजेशन ठीक, मतलब ठीक रहे जिससे। तो दोस्तों इन सब कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है, पेट की खराबी हो, दस्त हो, पेट का डाइजेशन हो, ये सब चीज़ों में देते हैं। और बहुत सारे लोग इसको मुंह के छालों में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों मुंह के छाले भी पेट की खराबी की वजह से होते हैं। अगर आपके पेट में ज़्यादा गर्मी हो गई है तो उसकी वजह से भी मुँह के छाले होते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस YZ-Lag कैप्सूल का इस्तेमाल कराया जाता है। और दोस्तों YZ-Lag कैप्सूल जो है काफ़ी बढ़िया होता है हमारे पेट के लिए, हमारे जो है जो स्टोमक के लिए, क्योंकि दोस्तों ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बैड बैक्टीरिया को कम करता है। दोस्तों आपने याकूट का नाम सुना होगा, याकूट एक आता है जो है ड्रिंक होता है एक, उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है जो कि हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। बहुत सारी चीज़ों में लैक्टिक एसिड बैसिलस डाला जाता है, ताकि हमारा पेट का डाइजेशन ठीक रहे, हमारे पेट के अंदर जो भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों और मैं आपको बता देता हूँ और किन कामों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों कभी भी आप कोई एंटीबायोटिक खाएं या कोई आप दस्त की दवाई खाएं, तो इस YZ-Lag कैप्सूल को साथ में ज़रूर लें, क्योंकि इसको साथ में लेने से क्या होता है, आपका पेट जल्दी सही होगा, आपका डायरिया की डाइजेशन की प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगी, और आपको कभी छाले हों तो वो भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी डोज़ क्या है। दोस्तों अगर आप किसी भी दस्त की गोली के साथ इसको लगा के खा रहे हैं, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम इसका यूज़ करें, और अगर आप छाले के लिए खा रहे हैं तब भी आप सुबह शाम दोनों टाइम इसका यूज़ करें पानी के साथ, और 3 से 4 दिन इसको रेगुलर लें, तो आपकी जो है पेट की डाइजेशन की, डायरिया की या छाले की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये था YZ-Lag कैप्सूल का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों फिर भी आपको ये YZ-Lag कैप्सूल से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या आपका कोई सवाल हो, या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।